हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बोट नेक ब्लाउज़ की डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो मैंने सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है, तो चलिए इसकी मेज़रमेंट बता देते हैं। तो इसकी लंबाई है 13.5 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। शोल्डर यहाँ पे मैंने 7.5 इंच लिए, आर्मोल 6.5 इंच है, चेस्ट यहाँ पे 10 इंच है, 40 इंच की हमारी चेस्ट है, 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लिए, 34 इंच की हमारी कमर हो गई है, और यहाँ 3 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं कि 1 इंच हमारी प्लेट की हो गई या 2 इंच हमारा मार्जिन। अब यहाँ पे नेक के लिए हम निशान लगाएंगे, तो 4 इंच पे हम यहाँ पे नेक के लिए निशान लगाएंगे, और नीचे से देखिए 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे, और यहाँ से भी 4 इंच पे निशान लगा के एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम पेपर पेस्टिंग ले लेंगे। पेपर पेस्टिंग के देखिए जितनी हमारी नेक की लंबाई है यहाँ पे 11.5 इंच, तो यहाँ पे हम 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे। लंबाई मैंने 12.5 इंच ली है और चौड़ाई में मैंने 5 इंच बुकरम की ली है। अब यहाँ से निशान लगा लेंगे 4 इंच पे, नेक में भी यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को मिला लेंगे। अब नीचे से 1 इंच पे निशान लगा के इसकी हम कटिंग कर देंगे। एक तो ये मेथड हो गई है। अब दूसरी मेथड आपको बताएंगे कि नेक का ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे। इसकी कटिंग कर लेते हैं पहले, इसे भी यहाँ से बराबर कट करके निकाल देंगे। अब देखिए ये हमारी बुकरम हाफ में फोल्ड है, इसे बराबर रखेंगे और यहाँ से देखिए एक पार्ट को उठाएंगे, और यहाँ से देखिए हमारी नेक की ड्राफ्टिंग दिख रही है, तो उसके ऊपर हम यहाँ पे चौक से निशान लगा लेंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारी दूसरी मेथड हो गई है नेक की ड्राफ्टिंग के लिए। अब इसी निशान से हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसे हम एक कपड़े में पेस्ट कर लेंगे। नेक की कटिंग हो गई है, अब इसे कपड़े में पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ कपड़े में पेस्ट कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा साइड की कपड़े हैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा, इसे हम फोल्ड करके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब इस नेक को रखेंगे साइड में। अब मेन फैब्रिक को लेंगे, मेन फैब्रिक को हम सीधा रखेंगे और अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे, और नीचे बॉटम में हम इसे सिलाई लगा लेंगे। नीचे हमारी सिलाई हो गई है। अब अस्तर को ऐसे खोलेंगे और मार्जिन को पूरे एक तरफ करते हुए अस्तर के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ हमारी सिलाई हो गई है, अब इसे फोल्ड करेंगे और इसके किनारे एक और सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ भी सिलाई हो गई है। अब अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर देंगे। तो पूरे में कपड़े को सही से बैठाते हुए यहाँ पे चारों तरफ सिलाई लगा लेना है। कपड़े में कोई झोल या रिंकल्स नहीं आनी चाहिए। इसी तरह कपड़े को सही से बैठाते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ हमारी सिलाई हो गई है, और जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसकी हम कटिंग कर देंगे। देखिए गाइस यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग हो गई है। अब इसे सेंटर से बराबर फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में एक हम कट लगा लेंगे। सेंटर इसका सही से बना लेंगे और सेंटर से कट लगा लेंगे। अब हम नेक लेंगे, जो हमने नेक कटिंग करी थी उसे, अब उसे हम सेंटर से फोल्ड करेंगे, बराबर बैठाते हुए इसका सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। देखिए चौक से हमने यहाँ निशान लगा लिए। निशान लगाने के बाद इसके सेंटर में कट लगा लेंगे। अब हम बैक पार्ट को लेंगे। देखिए ये हमारी ये निशान आ गई है,
तो इसे हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। तो ये हमारी सेंटर हो गई है। अब नेक को लेंगे, इसे बराबर बैठाते हुए पिन से इसे पहले सेट कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे पिन से सेट कर लिया है। अब इसके किनारे किनारे पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। बुकरम के किनारे किनारे हमें सिलाई लगा लेना है। देखिए गाइस यहाँ मेरी सिलाई हो गई है और जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए दोनों कॉर्नर्स में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कट्स लगा करके इसे नेक को हम पलट देंगे। चाहे तो आप इसमें प्रेस भी लगा सकते हैं। अब नेक में हम रफ स्टिच करेंगे जो कि हम बाद में इसे खोल के इसमें तुरपाई कर लेंगे। नेक में हमारी सिलाई हो गई है। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। अब हम नेट की फैब्रिक लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे नेट की फैब्रिक ली है। नेक से दोनों साइड में एक एक इंच और नीचे से भी एक इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के मैंने यहाँ पे नेट का फैब्रिक लिया है। उसी के बराबर मैंने यहाँ पे एक पेपर लिए है। नेट को उसके ऊपर रख कर तीनों साइड से हम इसे सिलाई लगा के जॉइंट कर देंगे। मेरी नेट की फैब्रिक पेपर में अटैच हो गई है। अब इसे सेंटर से हम बराबर फोल्ड करेंगे। अब इसके सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए ये हमारी निशान लग गई है। अब इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेंगे और इसके सेंटर में एक पट्टी को अटैच करनी है। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक पट्टी ली है। इसकी लंबाई इसके बराबर ही है। इसकी चौड़ाई यहाँ पे 3 इंच है। अब इसे देखिए इस प्रकार एक फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे, फिर इसके बाद डबल फोल्ड करके इसके किनारे में सिलाई लगाएंगे। ये पट्टी की चौड़ाई लगभग 1 इंच होनी चाहिए। पूरे में यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। पट्टी मेरी बन गई है। अब इसके सेंटर में हमें इसे अटैच करना है। तो इसे बराबर रखते हुए दोनों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। तो सबसे पहले एक किनारे से हम इसे सिलाई लगाएंगे। एक साइड से सिलाई लगाने के बाद दूसरे साइड भी हम इसे सिलाई लगा के इसे अटैच कर देंगे। पट्टी हमारी लग गई है। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। अब हम बैक पार्ट को लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, सेंटर से मिलाते हुए बराबर रख लेंगे। अब इसमें हमें सिलाई लगानी है, तो उससे पहले यहाँ पे पिन लगा के इसे हम सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए नेक के किनारे किनारे हमें फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेनी है। इसके किनारे किनारे हम सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। नेक में हमारी सिलाई हो गई है। अब ये देखिए जो हमने रफ स्टिच करी थी इसे हम खोल देंगे। देखिए हमने सिलाई खोल लिया है। अब ये पेपर को भी हम अलग कर लेंगे। पेपर को भी हमने निकाल दिया है। अब ये देखिए जो नेट एक्स्ट्रा बाहर निकल रही है इसे इसके अंदर फोल्ड करेंगे और इसके किनारे किनारे हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे और बाद में इसे खोल के इसमें हम तुरपाई कर लेंगे। तो नेट को इसके अंदर पूरे में फोल्ड करते जाएंगे और इसके किनारे किनारे सिलाई लगा के इसे नेक को हम कंप्लीट कर लेंगे।
यहाँ मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे, बराबर में हम इसे सेंटर से फोल्ड कर देंगे और पिन लगा लेंगे। यहाँ पे भी हम सेंटर करके पिन लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमें नेक बनाने हैं, तो नेक की देखिए यहाँ पे नेक की लंबाई हम यहाँ पे रखेंगे 3 इंच और यहाँ से मिलाते हुए यहाँ पे मिला देंगे और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए यहाँ नेक की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हमें पट्टी लगानी है, तो उसके लिए देखिए मैंने ये पट्टी ली है, इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और इसके नीचे हमें नेट के नीचे रखते हुए हमें सिलाई लगाना है। नेट को हमें खींचना नहीं है, हल्के हाथों से यहाँ पे पट्टी को इसमें नेक में अटैच कर देंगे। पट्टी हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है, एक्स्ट्रा कपड़े की इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा के इस पट्टी को हम बाहर की तरफ उलट देंगे। देखिए हमने यहाँ पे कट लगा लिया है। अब इस पट्टी को बाहर की तरफ इस प्रकार फोल्ड करेंगे और इसके किनारे किनारे पट्टी के किनारे सिलाई लगा के इसे हम नेक को कंप्लीट कर लेंगे। नेक हमारी बनके यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। एक्स्ट्रा को हम कटिंग कर देंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे यहाँ पे पट्टी अटैच हुई है। अब यहाँ पे हमें सेंटर में बटन लगाना है, तो उसके लिए देखिए इसी फैब्रिक की यहाँ पे बटन बनाए हैं। अब इस बटन को इसके सेंटर में रखेंगे, इस प्रकार बराबर बराबर दूरी पे हम बटन को रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी बटन लग के कम्प्लीट हो गई है। अब ब्लाउज़ की बैक नेक आपको कैसी लगी? आई होप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।